नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ सिंह लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज का कॉम्बिनेशन सिंह लगन व वृषभ राशि है। सबसे पहले हम समझें कि सिंह लगन व वृषभ राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, पहले भाव में 5 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका सिंह लगन। चंद्रमा दशम भाव में 2 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी वृषभ राशि। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर सिंह लगन व वृषभ राशि का बनता है तो आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हम सबसे पहले वर्ष 2024 के लिए 4 बड़े ग्रहों की गोचर बात करें तो गोचर के हिसाब से सिंह लगन से कुटुंब के भाव में केतु का गोचर हो रहा है, राहु अष्टम में चल रहे हैं, शनि महाराज सप्तम में है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में होंगे और मई 2024 से वो दशम में चले जाएंगे। वृषभ राशि से बात करें तो केतु का गोचर पंचम में हो रहा है, शनि महाराज दशम में है, राहु एकादश में है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति द्वादश में होंगे और मई के बाद वो लगन पर आ जाएंगे। ये ग्रहों की स्थिति है सिंह लगन व वृषभ राशि से। एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका सिंह लगन व वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन है और वर्ष 2024 के लिए आपकी कुंडली में राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा, गुरु की महादशा या गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिंह लगन से राहु जो है वर्ष 2024 में अष्टम में रहेंगे और वृषभ राशि से गुरु जो है मई 2024 तक द्वादश में रहेंगे। तो जो ग्रह जिसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है अगर वो 8 या 12 में चला जाते हैं तो थोड़ी सी वो परेशानी देने की संभावना रखते हैं, इसलिए आपको वर्ष 2024 में राहु या गुरु का कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिंह लगन व वृषभ राशि है तो वर्ष 2024 के लिए आपके लिए शुभ समय कौन सा निकल कर आता है जब आपके काम बन सकते हैं। वो शुभ समय है जनवरी से 30 अप्रैल और दूसरा 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो आपने अगर वर्ष 2024 के लिए कुछ भी प्लान कर रखा है, जो आप कुछ महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, तो उसको करने का समय होगा जनवरी से 30 अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। इस वर्ष में आपके लिए क्या क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वर्ष का जब आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे होंगे। यानी गुरु जो कि भाग्य भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं, वो भाग्य भाव पर जब गोचर करेंगे और उनकी लगन पर दृष्टि होगी, एक तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही वृषभ राशि से मई के बाद गुरु आपके लगन पर आ जाएंगे और राहु आपके लाभ भाव में चलेंगे। लाभ भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव। तो सिंह लगन व वृषभ राशि ये कॉम्बिनेशन है कि जिसमें आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपके इच्छा पूर्ति की संभावना बन रही है। कैरियर की बात करें तो इस वर्ष आपके पास जॉब कैरियर को लेकर नए अवसर आ सकते हैं। लंबे समय से अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे थे तो इस वर्ष आपके लिए जॉब बदलने का अच्छा समय है, जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर। जॉब में आपके प्रमोशन की भी संभावना बनती है और साथ ही साथ आपके इस वर्ष ट्रांसफर की भी संभावना बनती है। वृषभ राशि से जब वर्ष का आरंभ होगा तो गुरु 12वां होगा। 12वां गुरु क्या करता है कि खर्चे कराता है, खर्चे भी मांगलिक कार्यों में। यानी आपके घर में कोई पूजा पाठ हो जाए, धार्मिक कथाओं का आयोजन हो जाए या घर में किसी का विवाह हो, यानी लंबे समय से सिंह लगन व वृषभ राशि के वजह जातक अपने विवाह के इंतजार में थे, उनका विवाह तय हो सकता है। आप जो दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते थे, संतान प्लान कर सकते हैं। और गुरु क्योंकि वृषभ राशि से लगन पर आ जाएंगे और उनकी पंचम पर दृष्टि होगी और भाग्य भाव पर भी दृष्टि होगी, और सिंह लगन से गुरु भाग्य भाव में गोचर करके पंचम को देख रहे हैं, तो सिंह लगन व वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष बहुत बढ़िया जाने वाला है। शिक्षा के आधार पर इस वर्ष आपका पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि ज्ञान और विद्या के कारक गुरु आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे। और अगर आपका आप विद्यार्थी हैं और आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो आप उपाय के तौर पर पंसारी की दुकान से 11 हर श्रृंगार के बीज ले आइए और हर श्रृंगार के बीज को किसी थैली में बांध के अपने तकिए में रख दीजिए और रात को सोते समय उस तकिए का उपयोग करिए। कोशिश करिएगा उस तकिए के ऊपर पैर ना रखें। हर श्रृंगार के बीजों में हनुमान जी का वास माना जाता है। जब हर श्रृंगार के बीज लगे तकिए के ऊपर आप सोएंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो अगर विद्यार्थी इस उपाय को करते हैं तो उनका मन पढ़ाई में बहुत लगेगा। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपका सिंह लगन व वृषभ राशि है और वर्ष 2024 में अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा, गुरु की महादशा या गुरु की अंतर्दशा चलती है तो आपको राहु और गुरु का कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। राहु के उपाय का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हर बुधवार को 4 मूली दान कर सकते हैं। मूली में आपको सफेद हिस्सा दान करना है, इसके पत्ते हटा लीजिएगा। 4 मूली किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, शिव जी का मंदिर हो तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप बुधवार या शनिवार को बहते पानी में कोले भी प्रवाहित कर सकते हैं, वो भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। और आप बुधवार को किसी सफाई कर्मचारी को कुछ नगद भी दे सकते हैं, वो भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। गुरु की रेमेडी के तौर पर एक तो आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, पीले कपड़े का दान कर सकते हैं। और
बुधवार की शाम को चने की दाल को भिगो दें और गुरुवार की सुबह पीली भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाएं, वो भी गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इस तरीके से अगर आप कुछ ना कुछ उपाय करेंगे तो ग्रहों की गोचर की नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु आपके अष्टम में गोचर कर रहा है, इस वर्ष किसी को भी पैसा उधार ना दे। सावधानी के तौर पर मैं बता रही हूँ, सबसे पहले बात फाइनेंस की, कि सिंह लगन से राहु अष्टम में है, किसी को भी पैसा उधार ना दे। आपने पैसा उधार दिया वापस नहीं आएगा। दूसरा, आपको सावधानी इस वर्ष रखनी है मई से 8 अक्टूबर के बीच में। एक तो अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो मई से 8 अक्टूबर के बीच में ना बदलें। जॉब के लिए जनवरी से अप्रैल और 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय सही है। व्यापार में कोई जोखिम ना लें, मई से 8 अक्टूबर के बीच में जो व्यापार चल रहा है उसी को चलने दें। और अष्टम का राहु अनिष्ट की आशंका देता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ प्लान कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव थॉट हमें ज्यादा परेशान करेंगे, नहीं यार ये तो होगा ही नहीं, या ये कर ही नहीं पाएंगे, या वो मिलेगा नहीं। तो अनिष्ट की आशंका के लिए अगर आप राहु की रेमेडी करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी, कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद होने की संभावना बनती है। और साथ ही अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वाणी वहां पे केतु का गोचर हो रहा है। केतु जो करता है वाणी को कटु बनाता है। अगर आपको बार बार लगे कि आपकी वाणी से काम बिगड़ रहे हैं तो आप उपाय के तौर पर जो है अपना वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझ के बात करें। और आप फिटकरी से भी अपने दांत साफ कर सकते हैं। अगर आप फिटकरी से दांत साफ करते हैं उससे भी वाणी दोष खत्म होता है। रोज ना कर सके तो बुधवार को फिटकरी से दांत साफ कर लें। और फिटकरी से दांत साफ करने से दांत मजबूत भी होते हैं और आपकी वाणी का अनिष्टता भी जाती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस वर्ष किसी को पैसे उधार ना दे। तो भी रहे मानना है, अगर आप सिंह लगन व वृषभ राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए 56% तक बढ़िया जाने वाला है। और बाई चांस आपकी दशाएं बशुभ हुई, जैसे सूर्य की, गुरु की या मंगल की दशा अंत दशा चली, तो परसेंटेज 56 से 60 भी आ सकती है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि सिंह लगन व वृषभ राशि के लिए वर्ष 2024 56% तक बढ़िया जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ष 2024 में आपकी कुंडली में राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा या गुरु की महादशा आती है तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर करिए राहु और गुरु का, जैसे वर्ष 2024 में आपको किसी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।